हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न नाइन्थ स्टैंडर्ड मराठी लेसन नंबर 1 सर्वात्मक शिव सुंदरा। इसके जो राइटर हैं पोएट हैं वो हैं कवि कुसुमाग्रज, उनका नाम है। ठीक है, तो कालावधि इनका यहाँ पे दिया है 1912 से 1999 तक। ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते, प्रसिद्ध लेखक कवि नाटककार, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये सब नाम है जो उन्होंने लिखा है। सो इस पूरे कविता में यही दिया गया है कि सर्वात्मका शिव सुंदरा, ये प्रार्थना है कवि कुसुमाग्रज ने, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर से वंदना कर रहे हैं कि अंधेरे को हटाएं, जो भी संकट है उससे दूर करें। तो ये कवि ने यहाँ पे विनती की है, शक्ति दे हमें, ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे विनती की है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है आपका, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हो। ये सर्वात्मका शिव सुंदरा से लेके आमोचिया ने जीवना, तो यहाँ से आपको ये क्या दिया हुआ है, हे सर्व प्राणी मात्राचर ठिकाणी असलिया शिव सुंदर परमेश्वर, यानी कि भगवान को बोले हैं शिव सुंदर परमेश्वर, सभी प्राणियों में बसने वाले तुम, आप हमारा वंदन स्वीकार करें। हे परमेश्वर, तुम हमारे जीवन के अंधकार जो हैं उसे दूर करके प्रकाश दें, हमारे जीवन को योग्य मार्ग दिखाएं। ठीक है, मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको समझा सकती हूँ, क्योंकि ये ईजी है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ। सुमनाथ तू गगनाथ डैश, और ये पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो सुमन का मतलब होता है फूल, पुष्प। ठीक है, तो हे परमेश्वर सुमनाथ मंजिच प्रत्येक फुलात, यानी कि हर एक, सुमन का मतलब प्रत्येक फूल में, गगन में तू समाया हुआ है। तारा मध्य देखिल तू फूल लेला मंजिच भर ले, यानी तारों में भी तू ही है, हर जगह व्याप्त है तू। इस पूरे जग में जे जे सद्धर्माने, यानी हर धर्म, यानी सद्धर्म, यानी कि इस जग में आप सद्धर्म से, सद्धर्म यानी कि अच्छे से, सर्व मध्य हर धर्म में सबके बीच में तुम रहते हो। या सृष्टि मध्य चोही कड़े तुझित रूपे आहेत, यानी कि इस सृष्टि के हर एक रूप में तुम हो, तुम्हारा रूप है। यासी मल्ला जानी आहे, ये मुझे पता है। श्रम तोस्तु श्वेता मध्य, यानी यहाँ पे दिया गया है, तो बोल रहे हैं हे परमेश्वर तुम श्वेत मध्य, यानी तुम हर जगह हो, जो कष्ट करते हैं लोग, जो मेहनत करते, तू स्वतः मेहनत करते हो, तुम ही मेहनत करते हो, यानी कि वो जो किसान है उसमें भी आप हो, जो लोग मेहनत करें वो उसमें भी आप हो। या जागा मध्य जे जे दुखी, जो दुख में इस जग में जो दुखी हैं, कष्टी जीवन आते, जो कष्ट में जीवन जी रहे हैं, त्या लोकांची आसवे तू पुस्तोस, उनको तू, यानी उन त्या लोकांची आसवे तू पुस्तोस, मंजे कहने का मतलब है कि जो सभी दुख त्रास तुम दूर करो, जो लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, उनके दुख सभी लोगों के और उनके त्रास तुम दूर करो। जिथे कोणत्याही स्वार्था शिवाय तुझी सेवा के लिए जाते, तिथे तुझे पावन चरणा पहला मिलता। तो जितने लोग भी स्वार्थ के अलावा, मतलब स्वार्थ से रहित जो तेरी सेवा करते हैं, उनको तेरे चरण मिलने चाहिए, तिथि तुझे अस्तित्व जान दे, ताकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें पता चले। न्यायार जे लड़ती रणी, यहाँ पे पूरा दिया हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं जे लोग अन्याय विरुद्ध लड़ता, इस लोक में जिन लोग में लोग अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, न्याया साठी तलवार हाथा घेऊ रणन गणवार, लड़ना साठी जाता त्याचा हाथा तल्या तलवारी मध्य परमेश्वर तू रहता। यानी कि जो अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, न्याय पाने के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, तो उनके हाथ में जो लाल रंग में, यानी जो रंगी हुई तलवार है, उन हाथ के तलवारों में तुम रहते हो। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए या फिर न्याय के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, तो उसमें भी वो परमेश्वर है। तसे जे लोग ध्येय अस्तात, जे आपने ध्येय प्राप्त, यानी कि जो लोग अपना ध्येय, अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं, उन्हें वो अंधरा तू, यानी संकट से उन्हें मार्ग दिखा, तू दीपक बन के मार्ग दिखा। ठीक है, उनका आत्मविश्वास हिम्मत निर्माण करो, यानी कि उनका आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ाओ। मंजे ध्येय प्राप्ति चा योग्य मार्ग, यानी कि उनका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उनका गोल प्राप्त करने के लिए तुम मार्ग दिखाओ। तसे से जे ज्ञानाची लालसा मना मध्य धरून त्यासी कास धरता त्यासाठी तत्परता त्यासी ज्ञान साधना तू हो तो। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिनको ज्ञान की लालसा है, यानी जो ज्ञान पाना चाहते हैं, जो ज्ञान पाने के लिए क्यूरियस हैं, उनके मन में मतलब जिनके मन में पूरा ज्ञान लेने की जो
लालसा इच्छा है जो तप करते हैं, ठीक है, जो तप करते हैं उनके लिए तू ज्ञान साधना के जैसा बन। ठीक है, आगे देखते हैं। करुणा कर करुणा तुझी, यहाँ पे बोल रहे हैं कवि परमेश्वर, कवि परमेश्वर से बोल रहे हैं, हे करुणा कर, तेरा आशीर्वाद पठिशी अस्ताना मला कुठिली भीति नाही। तुम्हारा आशीर्वाद मिलने से मुझे किसी का भय नहीं है, यानी जब भगवान साथ है तो किसी से क्या डर। त्यामुळे आयुष्याच्या वाटेवर चलताना माझ्या प्रत्येक पावलाबरोबर तुझे पाऊल असेल। अच्छा, अब अगर यहाँ पे जो अब हार्ड हार्ड वर्ड है तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सबके मीनिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और फिर जब आपको ये हार्ड वर्ड की मीनिंग पता चल जाएगा तो ये आपको ईजी लगेगा। ठीक है, मैंने नहीं देखा है इसलिए, कुछ कुछ हार्ड वर्ड हैं तो अगर हम देख लेंगे तो वो बहुत ही ईजी लगने लगेगा, ये जो भी दिया हुआ है आपके कविता के। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं त्यामुळे माझ्याकडून नेहमी सृजन म्हणजेच नवनिर्मित, यानी कि नव निर्माण हो रहा है ये सारी चीज़ें। माझ्या मनात त्याविषयी कोणतीची भीत असणार नाही, मेरे मन में किसी के लिए डर नहीं है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है शिव यानी शंकर की बात हो रही है, गॉड शिवा। सुंदरा यानी सुंदर, ब्यूटीफुल। स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस। अभिवादन यानी सैल्यूटेशन, वंदन नमन। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये जो हार्ड वर्ड हैं उनका सिंपल वर्ड में, यहाँ पे मराठी में ही लेकिन सिंपल वर्ड में यहाँ पे मीनिंग दिया है, प्लस इंग्लिश में भी है, तो कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आप इसे याद कीजिए। ओके, तो इसे अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। कोई डाउट रहे कॉमेंट से पूछिए। आपके हर एक वीडियो के, हर एक चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखे, लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा, क्योंकि ये पेजेस के हैं, फोटो लेके मैंने बनाए हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन बताइए। वैसे तो आपको आपके मराठी के सारे ही वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं, कुछ एक दो चैप्टर रह गया है तो वो मैं अभी आपको अपलोड ये भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ, एक दो दिन में सारे ही अपलोड कर दूँगी जो भी है। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, जो भी है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, आपके तीनों ही राइटिंग स्किल, हिंदी मराठी इंग्लिश के भी राइटिंग स्किल्स सारे हैं, लेटर राइटिंग जो जितने भी हैं, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग सारे ही आपको मिल जाएंगे। निबंध में कई सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है कि बार बार पूछे गए हैं और वो अपलोडेड नहीं है, या फिर आपके बुक में कोई है जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, या फिर आपको टेस्ट देने वाले हो उसका, या एग्ज़ाम में आने वाला है, टीचर्स ने टिक मार्क कराए हैं आपको, तो मुझे बताइए, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, चाहे हिंदी इंग्लिश मराठी कोई का भी आपको मिल जाएगा राइटिंग स्किल। और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबकी वीडियोस अपलोडेड हैं, मराठी को छोड़ के, मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स नहीं अपलोडेड है, डाइजेस्ट आंसर, बाकी सबके अपलोडेड हैं। एक चीज़ और है, आपका जो ये जो भी सब्जेक्ट्स है उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं अपलोडेड हैं, सिर्फ हिंदी का और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशंस अपलोडेड हैं। लेकिन आपको जो भी एक्सप्लेनेशंस के भी वीडियोस चाहिए चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस के, तो आप कमेंट में बताइए, वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे डाइजेस्ट आंसर्स के आ रहे हैं कमेंट्स, तो मैं डाइजेस्ट आंसर्स का ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, और राइटिंग स्किल्स का ही प्रोवाइड कर रही हूँ, और चैप्टर्स के तो नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, आपको चाहिए हिंदी इंग्लिश का तो थोड़ा मोड़ा है, फिर भी अगर आपको जो भी चैप्टर चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए आपके स्टडीज़ रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट में बताइए।